सो गाइज, एक बार फिर से हमारा बैक टू बैक संडे को जो हमारा फेल था टॉस, उसकी रिकवरी के साथ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, यानी कि हमारा आज का भी CSK टॉस पास और कल आज का मैच भी पास होगा। और देख लो, कल का मैच भी मैंने पंजाब दिया था और टॉस भी गुजरात दिया था, और बैक टू बैक पास है 4K, 4000 ही लोग देख पाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो, ये मेरा ओरिजिनल चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाना। बैक टू बैक यहाँ पर आपको टॉस ऐसे दिया जाता है, आप ये देख सकते हो। तो थोड़ा टाइम लिया उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग के लिए ही ज़रूरी है। कुछ ही मैच बचे हैं, 20 मैच बचे हैं, तो आप लोग इधर से जाके पूरा अर्निंग कर लोगे, क्योंकि बहुत अच्छे टॉस आपको आगे मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आज के मैच की, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइज हैदराबाद के बीच ब्रैबोन स्टेडियम मुंबई में। पिच की बात करेंगे, आपको इन शॉर्ट वीडियो सारा कुछ पता लग जाएगा, जैसे कि मैं आपको प्रीव्यू करके बताऊंगा, जैसा हर वीडियो में मिलता है। और सॉरी, वीडियो दो दिन से नहीं आ पा रही थी। अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते हो, अगर व्यूज़ नहीं आता है, तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि आप लोग पता नहीं क्यों नहीं शेयर कर रहे हो वीडियो को। तो शेयर करना अगर पसंद आई तो। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो ये जो मैच है, ब्रैबोन स्टेडियम में मैच होने वाला है। इस पिच पे बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है। टॉस विनर टीम आपको पहले बॉलिंग करती हुई दिखेगी, ठीक है। यहाँ बात करें सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी हैं। दिल्ली अपना 9 में से सिर्फ 4 मैच जीती है, और ये मैच इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकी मेन प्रॉब्लम है बैटिंग की, मतलब जो पहले दो ओपनर्स हैं डेविड वार्नर, जैसे आप जानते हो, तो वो दोनों अगर ऋषभ पंत अगर बढ़िया चल गए, तभी पीछे के प्लेयर्स जो चलते हैं। तो इसमें इन लोग को ज़रूरी है कि बैटिंग अपनी अच्छी करे, और बाकी बॉलर काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि आपको पता है शार्दुल ठाकुर, और काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं इसमें, और अच्छे परफॉर्मेंस कल की टीम मैच में करेंगे। अब हैदराबाद की हम लोग बात करें, तो इसमें आपको बता दें कि बैक टू बैक 5 मैच ये जीत के 2 मैच पिछला हार के आ रही है, ठीक है। और ये अगर कल का मैच आ रही तो हैट्रिक मैच हार जाएगी कल, ठीक है। सो इसमें बात करें तो बैटिंग काफ़ी अच्छी है, रिसेंट बैटिंग है, बॉलिंग भी काफ़ी बढ़िया है। स्टार्टिंग के इनके सारे जो ओपनर्स हैं वो काफ़ी बेटर हैं, मतलब सारे ही एक से एक प्लेयर हैं इनके ओपनिंग में, तो कोई भी दो चल गए तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर देंगे, ठीक है। यहाँ बात करें हम लोग पे, सबसे पहले टॉस कॉल की आपको प्रीव्यू कर दिया हम लोग ने, दोनों ही टीमों क्या है पिछला रिकॉर्ड भी बता दिया। यहाँ पर टॉस कॉल जो है वो हैदराबाद की टीम का कल होने वाला है, और टॉस आपको ठीक 4 बजे या 5 बजे मेरे टेलीग्राम पे पोस्ट मिल जाएगा, तो एक बार प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन होइएगा। टॉस कॉल हैदराबाद का मैंने बताया। यहाँ बताया मैच प्रेडिक्शन हमारे अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीतेगी। सो हमें लगता है कि इस टीम कंपैरिजन से देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम हमें लगता है कल का ये मैच जीत जाएगी। बाकी हैदराबाद भी 2 मैच हार के आ रही है, इनकी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो आपको टेलीग्राम पे एक बार पोस्ट भी मिल जाएगा, तो एक बार चेक कर लेना, आप ही लोग का फ़ायदा है। बाकी दिल्ली कैपिटल्स हमारे अकॉर्डिंग कल का मैच जीतेगी। लास्ट में आपको फिर बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम पे जाओगे, कोई फेक में मत करना। ये रहा मैं ओरिजिनल चैनल 8.1K, और यहाँ पे आपको ऐसे टॉस मिलता है जैसे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन में। चलिए, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस, थैंक यू सो मच।